शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। भारतीय मजदूर संघ भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के आह्वान पर 27 जुलाई को आयुध निर्माणियों के निगमीकरण, सरकारी विभागों का निगमीकरण एवं सार्वजनिक क्षेत्रों का निजीकरण के खिलाफ देश भर में नारेबाजी ज्ञापन सौंप कर धरना आंदोलन किया गया। उसी कड़ी में आयुध निर्माणी मजदूर संघ द्वारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अम्बासरी में सुबह 7 बजे गेट नंबर 3 पर नारेबाजी की गई। दोपहर 12:30 से 1:30 बजे तक भोजनावकाश में धरना आंदोलन किया गया। इसी कड़ी में 28 जुलाई को प्रधानमंत्री महोदय को महाप्रबंधक के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। उपरोक्त आंदोलन भाम संघ विदर्भ उपाध्यक्ष भाप्रम संघ संरक्षक एडवोकेट श्री राम जी बाटवे पर्यावरण मंच श्री MM रंगदड़े सचिव RP चावड़े CEC सदस्य हर्षल ठोमरे CEC सदस्य बंडू तिड़के इनके नेतृत्व में आनीम संघ के अध्यक्ष महावीर सिंह व्यास महामंत्री सचिन डाबरे JCM सदस्य संजय वानखड़े सचिन थोराने OP उपाध्याय एवं सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण उपस्थित थे। भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर या 24 से 30 जुलाई तक सरकार जगह आंदोलन चल रहा था, जिसके उपलक्ष्य में आयु निर्माणी मजदूर संघ जो कि एफिलेटेड BPMS से है, इन्होंने भी हर तरह तरह के आंदोलनात्मक कार्यक्रम किए। उसी कड़ी में 27 तारीख को हमारा धरना आंदोलन था, परंतु कोविड का प्रसार देखते हुए हमारे यहाँ पर भी एक पॉजिटिव पेशेंट मिला था, जिसकी वजह से वो हम नहीं कर पाए। इसलिए हमने 27 तारीख को सवेरे 7 बजे नारेबाजी, लंच अवकाश में 12:30 से 1:30 बजे तक धरना प्रदर्शन, ये सब कार्यक्रम किए और सरकार जगाओ कार्यक्रम अच्छे से निभाया। सरकार की ये जो परिस्थिति अभी चल रही है कि हर सरकारी क्षेत्र को खासगीकरण निगमीकरण करने का जो प्रयास चल रहा है, ये बहुत ही खिंडनीय बात है। इसमें हमें गर्व की बात है कि आयुध निर्माणी मजदूर संघ इसमें हर जगह पे हर आंदोलन में खड़ा है, परंतु उससे भी सबसे बड़ी गर्व की बात यह है कि भारतीय मजदूर संघ इसमें खुद पहल कर ले रहा है और पूरे भारतवर्ष में आंदोलन निर्माण कर रहा है। और ये सरकार को जो आज बहुमत की सरकार समझ के खुद को बहुत बड़ी सरकार समझकर हर गलत डिसीजन ले रही है, ये ना भूले कि BMS वही संगठन है जो पूरे भारतवर्ष में एक नंबर पे है। ये सरकार को अगर उखाड़ के फेंकने की भी हिम्मत रखता है, अगर भारतीय मजदूर संघ चाहे तो अगली बार BJP मोदी सरकार नहीं बैठेगी, इसका भी वो ख्याल रखे। लेकिन हमें BMS पे पूरा भरोसा है और ये जो आज सरकार के गलत नीतियों का हम खंडन कर रहे हैं, ऐसा ही खंडन आगे भी करते रहेंगे। भारत माता की जय। इन बीस न्यूज के लिए बाड़ी से सुनील शेट्टी के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।